नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद हैं जो कि हमारे आसपास ही होते हैं, और इनका अस्तित्व आज से ही नहीं बल्कि हजारों साल पहले से है। और दोस्तों, ये सभी वनस्पतियाँ हजारों साल पहले जितने कारगर और शक्तिशाली थे, आज भी उतने ही कारगर और शक्तिशाली हैं। लेकिन जानकारी न होने के वजह से ये सभी वनस्पतियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ पहुँचाने का, आज की जो हमारी जड़ी बूटी है वह जड़ी बूटी है दोस्तों गुड़हल। इसे हिंदी में गुड़हल या फिर अड़हुल कहते हैं, मराठी में जासवंदी कहते हैं, तो भोजपुरी में अड़हुल कहते हैं, गुजराती में जासूद कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे हिबिस्कस प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। आपने इसे अक्सर अपने घरों के आसपास, अपने घर के आंगन में या फिर मंदिर के प्रांगण में लगा हुआ जरूर देखा होगा। दोस्तों, यह वनस्पति दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, इसलिए लोग इसे अपने घरों के आंगन में भी लगाते हैं। दोस्तों, वैसे तो गुड़हल के जो फूल होते हैं बहुत ही फायदेमंद होते हैं, इसके साथ साथ इसके फूलों का प्रयोग करके कई तरह के आयुर्वेदिक दवाई भी बनाई जाती है। गुड़हल के फूल जो होते हैं दोस्तों बहुत ही खुशबूदार होते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये फूल पूरी तरह से फूले होते हैं, यानी कि जब ये अपने चरम सीमा पर होते हैं, तब आप इस फूलों को देखेंगे तो दिल को भाते हैं। और दोस्तों, आयुर्वेद में गुड़हल के फूल, फल व पत्ते को या फिर इसके जड़ को किसी औषधि से कम नहीं जाना गया है। आप इस वनस्पति की सहायता से बालों की समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, आपके बाल पक रहे हैं, आपके बाल टूट रहे हैं, या फिर बालों में रूसी की समस्या है, तो रूसी को दूर कर सकते हैं। खून की कमी है, एनीमिया हो गया है, तो एनीमिया को ठीक कर सकते हैं। मुँह में छाले पड़ गए हैं, तो मुँह के छालों का भी यह एक रामबाण दवाई है। इसके अलावा पेट में दर्द है, तो पेट के दर्द को भी ठीक करने का यह काम करता है। सूजन हो गया है, दर्द रहता है घुटनों में या फिर जोड़ों में, तो उसे भी दूर करने का काम करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आपको यह जानकारी ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यदि मुंह में छाले हो जाए तो छाले को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, गुड़हल की जड़ को सबसे पहले आप निकाल लें, निकालने के बाद साफ कर लें, धो लें, और इसे एक एक इंच के टुकड़ों में काट करके रख लें। दिन में 3 से 4 बार एक एक टुकड़ा चबा चबा करके थूकते जाएं, तो 1 से 2 दिन में ही मुँह के छाले ठीक हो जाते हैं। यदि आपके पेट में दर्द रहता है बार बार, तो दोस्तों 5 से 10 मिली गुड़हल के पत्तों के रस का सेवन करते हैं, तो पेट के दर्द से निजात मिल जाता है। इसके साथ साथ बालों की समस्या, यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, बालों का टूटना शुरू हो गया है, बाल आपके सफ़ेद होते जा रहे हैं, तो दोस्तों गुड़हल के पत्तों को पीस करके लुगदी बना लें, यानी इसे पीस करके आप पेस्ट बना लें, फिर इसे बालों में लगाएँ। इससे आपके बालों को पोषण मिलता है और आपके बालों का झड़ना, टूटना, सफ़ेद होना रुक जाता है। इसे लगाने के बाद 2 घंटे तक अपने बालों में लगा करके रखें। इसके साथ साथ यदि रूसी की समस्या हो गई है आपके बालों में, तो दोस्तों रूसी की समस्या में गुड़हल के फूल के रस में बराबर मात्रा में तिल का तेल मिला लें, इसे उबालें और बचे हुए तेल को शीशी में भर करके रख लें। इस तेल को लगाने से रूसी खत्म हो जाते हैं। इसका प्रयोग आप सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, सूजन की समस्या है, तो दोस्तों गुड़हल के पत्तों तथा फूलों को पानी में पीस करके सूजन व दर्द वाले स्थान पर लगाएँ, तो इससे सूजन और दर्द से आराम मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपसे गुड़हल से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ शेयर किया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।